अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको अपने चैनल नॉवेल्टी में वेलकम कहती हूँ। जब हम किसी भी चीज़ की हिफाजत और केयर करना छोड़ देते हैं तो वो वक्त से पहले पुरानी, मैली और रफ सी लगने लगती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी इंसानी बॉडी और स्किन है, जिसकी हम केयर करना का सोचते ही नहीं है। अगर कोई कह भी दे कि अपनी केयर किया करें तो कह देते हैं अलावारी से। फिर धूल, मिट्टी, पसीना और धूप के ज़रिए खूब कोशिश करते हैं कि स्किन का खूब सत्यानाश कर लें। और जब स्किन इन सब चीज़ों के खिलाफ बुरा रिस्पॉन्ड करते हुए सेंटर्स, फ्रैकलेस या ब्लैक हेड्स का शिकार होकर रफ और डल हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो एक इंजेक्शन लगाए और हमारी स्किन पहले की तरह साफ़ सुथरी हो जाए। तो ऐसा तो अब होने से रहा, रियल लाइफ में आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये रेमेडी ख़ास तौर पर छाइयाँ और ब्लैक हार्ट्स के लिए है। इंशाल्लाह इसके यूज़ के बाद ब्लैक हार्ट्स और छाइयाँ अपनी जगह से हिलती नज़र आएंगी। और ऐसे ब्लैक हार्ट्स जिन्होंने फेस का हुलिया बिगाड़ रखा है, उन्हें भी अपनी आँखों से निकलता देखेंगे। तो चलें अब रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लेमन का रस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। लेमन स्किन के लिए बेहतरीन ब्लीचिंग एजेंट है और डार्क स्पॉट्स को उतारने के लिए बेहतरीन सोर्स भी। इसके साथ हमें चाहिए एक एयर टाइप कंटेनर या एयर टाइप बॉटल और इसे पास रख लें। एक बात ये जहन में रखें कि हम ढीठ छाइयों और ब्लैक हार्ट्स को रिमूव करने के लिए रेमेडी बनाने वाले हैं, तो इसमें डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हर्ष भी यूज़ करेंगे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं बताने वाली हूँ कि ये रेमेडी कौन यूज़ कर सकता है और कौन नहीं। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बोरिक एसिड। ये इस तरह की पैकिंग में होगा और किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा। ये चाहिए होगा बस 2 चुटकी। वैसे मैंने हर्ष की बात की थी, लेकिन ये इतना भी हर्ष नहीं है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आंखों की सुर्खी को दूर करने के लिए यूज़ करना चाहें तो इस पाउडर को पानी में डाल के उबाल लें और ज़रा ठंडा होने पर आंखें धो लें। आंखों से सेंसिटिव पार्ट तो कोई हो नहीं सकता। ये प्लाज्मा को बड़े अच्छे से क्योर करता है। इसमें टॉप लेवल की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए ये एक्ने के लिए भी मुफीद साबित होता है। तीसरा और आखिरी इन्ग्रीडियंट है चीनी, आम घर वाली चीनी। ये भी हम शामिल करेंगे सिर्फ 2 चुटकी। लो जी, अब इन तीनों चीज़ों को बोतल में डालकर रख लें और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 3 से 5 दिन तक के लिए लो टेम्परेचर पर रख दें। अगर गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 3 दिन बाद जब इसे निकालेंगे तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। हो सकता है इसकी शक्ल आपको अच्छी ना लगे, लेकिन क्या करें, दवाई है। छाइयों और दानों के साथ स्किन भी तो अच्छी नहीं लगती ना। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दवाई बन चुकी है जो छाइयों और ब्लैक हार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह है कि चेहरे को धोकर रात को सोने से पहले कॉटन बर्ड्स के साथ बड़ी एहतियाती से छाइयों वाली जगह पर अप्लाई करें। सोने में जल्दी ना करें, थोड़ा खुश्क हो जाए तो सो जाएं। बिल्कुल इसी तरह से आप ब्लैक हार्ट्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 25 से 30 मिनट बाद इसे नीम गर्म पानी से साथ धो लीजिए। ये दवाई आप अपनी स्किन के हिसाब से 15 से 20 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसके बाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अगर टमाटर और लेमन आपकी स्किन को सूट करता है तो इसका इस्तेमाल भी अपने चेहरे पर ज़रूर करें, क्योंकि टमाटर इस तरह का मलाजमा है को काटता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो सबको फ़ायदा दे, और ना ही कोई ऐसी बनी है जो नुकसान दे। सो आप अपनी स्किन के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। सो रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह देख सोच लें और स्किन के किसी छोटे से हिस्से पर लगा के चेक ज़रूर कर लें। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़। और आखिर में, अगर आपने हमारे चैनल नॉवल जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।